अपना हनुमान जयंती का ये कार्यक्रम है। ये पिछले लगभग हम 12-13 वर्षों से इस कार्यक्रम को करते हैं। पदयात्रा रहती है और पूरे जहांगीरपुरी के क्षेत्रों में घूमते हुए ई ब्लॉक में इसका हनुमान मंदिर पर समापन होता है। इसमें हम धार्मिक प्रचार और अपने धर्म का अनुपालन करते हैं। यात्रा जहांगीरपुरी के जो प्रमुख मार्ग है इनसे होते हुए और ई ब्लॉक में इसका समापन होगा। इससे हम हिंदू युवाओं में चरित्र निर्माण की बात रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर थे, उसी प्रकार से अपने युवाओं को भी एक वो हमेशा राम काज करने के लिए विद्यावान चरित्रवान बलिष्ठ और देशभक्त बनने चाहिए, ऐसा हम लोग युवाओं को संदेश देते हैं, युवाओं से आग्रह करते हैं। नहीं, वो जिस समुदाय ने किए हैं, जो किया है वो गलत है। धार्मिक कार्यक्रमों पर इस प्रकार का विद्वेष, इस प्रकार के ये सब काम नहीं होने चाहिए। ये धार्मिक कार्यक्रम है, इसको सुचारू रूप से होना चाहिए। हम पिछले 12 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस बार 13वीं बार है। हर बार शांतिपूर्वक कार्यक्रम रहा है, इस बार भी शांतिपूर्वक ही संपन्न होगा। जी गुरु जी, ये प्रोग्राम जो हुआ हनुमान जयंती का, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हनुमान जयंती के प्रोग्राम हिंदुस्तान में, पूरे देश में, पूरी दिल्ली में हुए। हजारों की संख्या में राम भक्त हमारे हनुमान जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बड़े ही आनंद भाव के साथ पूरी दिल्ली और देश में हमारी शोभा यात्रा निकली है। कहीं पर कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। रस्तों में हजारों बच्चे आई है, हजारों बजा रहे हैं, हजारों गुरुद्वारे हैं, हजारों चर्च आए हैं। उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। मगर जहांगीरपुरी में जान बूझ करके हमारी यात्रा के ऊपर, शोभा यात्रा के ऊपर अटैक किया गया। यहाँ का रहंगा मुसलमान, यहाँ का बांग्लादेशी मुसलमान जो अपनी दादागिरी यहाँ के हिंदुओं के साथ करता रहा है, और जो हमारा यहाँ का प्रशासन है वो सुस्त है। यहाँ पर खुलेआम इतनी बड़ी मस्जिद बना रखी है, ईदगाह बना रखी है, यहाँ पर खुलेआम गाड़ियाँ धुलाई का काम चल रहा है, क्या कुतवारी बाजार चल रहा है, बता सकेंगे क्या क्या मौजूद वहाँ पर चल रहा है? और यहाँ पर खुलेआम एक मस्जिद से यात्रा निकलने के बाद 1500 लोग दौरे लेके निकलते हैं, हमारे हिंदू कार्यकर्ता अटैक करते हैं, महिलाएं पत्थरबाजी कर रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। ये सब का सब खेल हमारी जहांगीरपुरी में हमारे हिंदुओं के ऊपर जानबूझ के किया गया है, और ये अब बर्दाश्त से बाहर है। हम आज यहाँ पर हमारे देश के गृह मंत्री से ये मांग करने के लिए आए हैं कि भाई, जिस तरीके से योगी बाबा बिलोडे चला रहे हैं, सारे गुंडे बदमाश चिपटे फिर रहे हैं, भाग रहे हैं। आज मध्य प्रदेश मामा ने बुलडोजर चालू कर दिया, वहाँ भी एंटी हिंदू एंटी नेशनलिस्ट सब भागे भागे घूम रहे हैं कि कहाँ जाएं। ये गुजरात में भी चालू हो गया है। आज हम ये मांग कर रहे हैं, जितनी भी राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी जो शक्तियाँ हैं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए दिल्ली में भी बुलडोजर चलना चाहिए। श्री राम मछले बनी हुई है, मदरसे बने हुए हैं, आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं, ये सारे के सारे साफ होने चाहिए। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास।